तो यार इस जर्नी की शुरुआत होती है 2017 में, जहां एक इंट्रोवर्ट क्लास और स्कूल में हमेशा टॉप करने वाला फर्स्ट वेंचर लड़का पहुंचता है आईआईटी जेई की कोचिंग। घर से दूर, एक रूम, कुछ किताबें और कुछ दोस्त, जिनमें सबका सपना होता है यार आईआईटी जेई को क्रैक करना। पर दो साल बाद जब जेई एडवांस का एग्जाम होता है तो यार उसमें इतनी अच्छी रैंक नहीं आती और आईआईटीज में वो ब्रांचेस मिल रही होती हैं जिसका नाम मैंने कभी सुना ही नहीं था। उसके बाद यार तब तक मन ये बना लिया था कि बीटेक करनी है तो कंप्यूटर साइंस से ही करनी है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हुए सीआईसी के बारे में पता लगता है तो फिर उसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और यार लकीली एडमिशन मिल जाता है और वहां से स्टार्ट होती है यार ये 4 साल की जर्नी। डे वन आज से 4 साल पहले 2nd of August को मैं पहुंचता हूँ यार अपने कॉलेज के पहले दिन ओरिएंटेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। तो यार सीआईसी सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन था नॉर्थ कैंपस कि यार इतने सारे कॉलेजेस हैं, सारे टॉप कॉलेजेस भरे पड़े हैं, क्या वाइब होगी यार, क्या मजा आएगा। तो जैसे ही मैं पहुंचता हूँ यार विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और मैं ठीक वही नजारा देखता हूँ, फिर स्टार्ट होती है यार कॉलेज की ओरिएंटेशन। बैच साइज हमारा काफी स्मॉल था बट पहले दिन यार सबसे इंटरेक्ट करा ऑलमोस्ट। फिर बस पहला महीना स्टार्ट होता है, काफी सारे सीनियर्स के लेक्चर्स होते हैं, नई नई वर्कशॉप्स होती हैं, काफी कुछ नया पता लगता है कि क्या करना है अगले 4 साल में, क्या क्या चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, बिकॉज अभी तक तो एक आईआईटी जेई वाला जोन चल रहा था। बस उसके बाद यार पहला लैपटॉप मिलता है लाइफ का, जिसमें यार हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करने का भी एक अपना अलग ही मजा था। इसके बाद आती है यार फ्रेशर्स पार्टी और काफी सारी मौज मस्ती स्टार्ट होती है, काफी सारे नए दोस्त बनते हैं जिनके साथ काफी सारा एक्सप्लोर करते हैं। इसी के साथ कॉलेज में भी यार इंटरनल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। थ्रू आउट दिस सबसे बड़ा चैलेंज था यार नॉर्थ कैंपस के अंदर पीजी देखना, नॉर्थ कैंपस के पीजी डीलर्स के साथ डील करना, बट अल्टीमेटली यार वो भी मिशन सक्सेसफुल रहता है और पीजी मिल जाता है। वहाँ भी काफ़ी सारी मस्ती होती है, काफ़ी सारे नए दोस्त बनते हैं। इस थ्रू आउट प्रोसेस के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो जाता है। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत DSA कोडिंग वगैरह सीखता हूँ। फिर स्टार्ट होता है सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्ट होते ही मेरे को मिल जाती है अपने एक सीनियर के स्टार्टअप के अंदर इंटर्नशिप। वो इंटर्नशिप तो ज्यादा देर नहीं चलती बट बहुत कुछ सिखा के जाती है। अगर कॉलेज लाइफ को बेस्ट यूटिलाइज करना है और उसका पूरा मजा लेना है तो कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। तब मेरे दिमाग में आता है यार वो यूट्यूब चैनल का आइडिया, जो कि मैं कभी 11th-12th में सोचा करता था। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल और सबसे पहली वीडियो आती है यार एक गर्ल्स कॉलेज के फेस्ट का व्लॉग, जिसे आज लिटरली मुझे देखकर बहुत हंसी आती है। बट फिर बाकी कॉलेजेस के कुछ फेस्ट वगैरह हुए तो मैं चला जाता था, उसके कुछ व्लॉग्स डाले। देन आ गया हमारा मिड सेमेस्टर ब्रेक और या फिर हम कह सकते हैं होली की छुट्टियां। उस टाइम हम जब घर गए, ऐसा कुछ हुआ जो हम सब में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। फिर स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, बट वैसे नहीं जैसे हमने सोचा था। सारी इंटरेक्शन, सारी मस्ती, सारी क्लासेस, सब कुछ अब बस गूगल मीट तक सीमित हो जाती है। और देन आई थॉट कि कुछ स्किल्स वगैरह सीखी जाएँ, कुछ डेवलपमेंट वगैरह सीखा जाए और साथ ही साथ आई थॉट कि थोड़ा एकेडमिक्स पे फोकस बढ़ाते हैं, CGPA बढ़ाया जाए। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग प्रिटी वेल इन माई 3rd and 4th semester, बट ये नहीं सोचा था कि यार मैं बैच में टॉप कर दूंगा। एंड इस दौरान कुछ छोटी छोटी इंटर्नशिप्स भी करी, जिसमें गुड और बैड दोनों ही एक्सपीरियंसेस रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पता लगा कि यार इंडस्ट्री में एक्जैक्टली काम कैसे होता है। साथ साथ यार मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो एक ब्लॉगिंग चैनल से एजुकेशनल चैनल में कन्वर्ट हो चुका था। देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्टेंट फ्रीक्वेंटली और उस प्रोसेस के दौरान मेरे को काफ़ी मजा आने लगा स्टूडेंट कम्युनिटी से इंटरेक्ट वगैरह करके। इस पूरे खेल में सेकेंड ईयर खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है यार 3rd ईयर। अब तक सोचा था कि शायद यार कॉलेज वगैरह अब तो खुल ही जाएगा, बट तब तो सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है यार। कोविड के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं सिचुएशंस, एंड फिर से वही ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन करिकुलम। बट 3rd ईयर में मैं अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा और स्केल अप करता हूँ, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ। एंड फाइनली 2 साल के बाद 3rd ईयर ऑलमोस्ट एंड होते होते कॉलेज अल्टीमेटली खुल जाता है और फिर हमें रियलाइज होता है कि यार अब सारे एग्जाम्स, इंटरनल्स, प्रैक्टिकल्स हमें ऑफलाइन देने पड़ेंगे। बस एक अच्छी चीज़ और होती है कि बेस्ड अपॉन माय सेकंड ईयर परफॉर्मेंस मुझे हॉस्टल भी अलॉट हो जाता है। इसी के साथ अपना फाइनल ईयर स्टार्ट होता है। फाइनल ईयर में यार सोच लिया था कितना ही अटेंडेंस का प्रेशर हो, कितना ही प्रोजेक्ट्स का प्रेशर हो, कितना ही एकेडमिक प्रेशर हो, खूब सारी मस्ती करनी है, खूब सारी ट्रिप्स लगानी है, चाहे वो मनाली हो, अमृतसर हो, जयपुर हो या फिर मूर्थल हो, बिकॉज पता था यार इसके बाद ये दोस्त कभी नहीं मिलने वाले, बिकॉज 8th semester पूरा इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाएगा। और वही किया, खूब सारी ट्रिप्स लगाई, खूब फन करा, खूब सारी पार्टीज करी, बर्थडे सेलिब्रेट करे। अल्टीमेटली 8th semester में सारे अपने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं, बस इसके बाद देते हैं हम अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन। और इसी के साथ यार 4 years ऑफ इंजीनियरिंग अपने एंड हो जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट।